अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7th क्लास के नेक्स्ट एमसीक्यूज और डेफिनेशन करते हैं। इससे पहले हमने 7 चैप्टर इसके कंप्लीट कर लिए, आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले एक टर्म डिफाइन की हुई है, हम उस टर्म को समझते हैं कि इस टर्म में क्या कहा हुआ है। 7n+2, ये जो 7 है इसको हम कोफिशेंट कहेंगे, n जो होता है इसके अंदर वेरिएबल है और 2 जो है इसके अंदर कॉन्स्टेंट होता है। अब n की जगह पे हम दो नंबर्स लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं और y भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये n x y इसकी जगह पे हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रख लेनी है। ये फर्स्ट टर्म इधर डिफाइन है और इधर ये लिखी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट एक फिक्स नंबर होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि 0, +1। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम ऑपरेशन। अच्छा, मैथ में 4 किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। हम इनको यूज़ करके मैथ का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लिखी हुई है डेफिनेशन वेरिएबल की। अच्छा, वेरिएबल होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि x+5 हो गया, y+6 हो गया, इनको हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं कोफिशेंट की। कोफिशेंट क्या होता है? जैसे कि किसी भी नंबर के, किसी भी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर हो उसको हम कोफिशेंट कहते हैं। जैसे x के साथ 5 है, इसको हम कोफिशेंट कहेंगे। अब y के साथ इधर 7 लिख देंगे, इसको हम कोफिशेंट कहेंगे। ये बन जाएंगे कोफिशेंट। नेक्स्ट हम करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये 4 ऑपरेशन होते हैं। इनको यूज़ करके जो भी इक्वेशन बनती है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जैसे कि 3x-7। अब हमने इधर ऑपरेशन यूज़ किया माइनस का, इसको यूज़ करके हमने एक इक्वेशन बनाई है, इसको हम कह देंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। 5x हो गया, अब ये मल्टीप्लिकेशन को हो गया 3x+1, ये हो गया एडिशन के लिहाज से। ये इस तरह के डिफरेंट जो भी इक्वेशन बनती हैं हम उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है पोलोनॉमिल्स। पोलोनॉमिल्स क्या होती है कि किसी भी नंबर की, अगर किसी भी नंबर को हम उसकी पावर में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं पोलोनॉमिल, जैसे कि x उसकी पावर n। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो पोलोनॉमिल डिग्री 1 की है, 2 की है, 3 की है। हम इसकी एग्जांपल करते हैं, जैसे कि कहते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल में x+5, अब इधर 1 है तो ये डिग्री 1 की पोलोनॉमिल होगी। दूसरी में कहता है कि x2+2x+5, अब इसकी देखें पावर 2 है तो ये डिग्री 2 की पोलोनॉमिल्स होगी। अब नीचे कह रहा है कि कौन से नंबर ऐसे हैं जो पोलोनॉमिल्स नहीं होंगे, जैसे कि 1/2 x2 ये पोलोनॉमिल्स नहीं होंगे। ये पोलोनॉमिल्स इसलिए x इधर, ये पोलोनॉमिल्स इसलिए नहीं होंगे क्योंकि x को हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये -x बन जाएगा, इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे -x² बन जाएगा, तो ये पोलोनॉमिल्स नहीं बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये कि अंडर रूट वाली रकम भी जो गिवन है ये भी पोलोनॉमिल्स नहीं बनाएगी। अब अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ x+2, ये भी पोलोनॉमिल्स नहीं बनाएगी। नेक्स्ट लिखे हुए कुछ पोलोनॉमिल्स की टाइप्स। फर्स्ट टाइप है कि मोनोनॉमिल्स। मोनोनॉमिल्स वो होगी जो कि जिसके अंदर 1 टर्म्स होगी, बाइनॉमिल जिसके अंदर 2 टर्म्स होंगे, और ट्राइनॉमिल जिसके अंदर 3 टर्म्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे फर्स्ट की एग्जांपल गिवन है 3x, ओके। बाइनॉमिल्स की एग्जांपल गिवन है 3y-1 कर लें, 2 कर लें, ये बाइनॉमिल्स की एग्जांपल हो जाएगी। और ट्राइनॉमिल की एग्जांपल है x²+2x+1, ये ट्राइनॉमिल्स की एग्जांपल हो जाएगी। ठीक है, और ये देखें बाय इधर ना, इनके साथ साथ एग्जांपल्स गिवन भी हैं, दो एग्जांपल्स, एक एक मैंने करवा दिए, एक एक आप लोग खुद देख लें। अच्छा, नेक्स्ट हम एमसीक्यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज़ फर्स्ट एमसीक्यूज़ में कहता है कि a+b² ये किसके इक्वल होता है। अब हम a+b² किसके इक्वल होगा, ये a² + b² + 2ab, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर इसी जगह पर माइनस हो जाए, अगर ये a-b² आ जाए तो ये बन जाएगा a² + b² - 2ab, सिर्फ इस 2 के साथ माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों फार्मूले ऐसे ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है कि x² ऊपर करके लिखते हो। नेक्स्ट कहता है कि x² + 5x + 6। अब इसके फैक्टर बनाए, इसके फैक्टर में होते हैं कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये लास्ट वाला नंबर है, और अगर उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करें तो मिड वाला नंबर बने। अब हम करते हैं कि x² + 3x + 2x + 6। अब ये देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 बन जाता है,
और 3 और 2 को ऐड करें तो 5 बन जाता है, ये इसके फैक्टर बन गए। अब इधर से एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 3 बच जाएगा, इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं, इधर एक्स प्लस 3 बच जाएगा। अब एक बार एक्स प्लस 3 लिख लेंगे और एक बार एक्स प्लस 2 लिख लेंगे, ये इसका आंसर बन जाएगा। ये देखें आंसर बी इसका राइट आंसर है। अच्छा अब नेक्स्ट में पूछ रहा है कि ये दो नंबर्स गिवन है, इनका को क्लोज करके क्या फार्मूला बनता है। पहले हम एक फार्मूला समझते हैं कि एक्स का स्केयर माइनस बी का स्केयर, जब अगर ये हो इसको ओपन करते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है हम इसको ओपन करते हैं। अब हमें ये जो 4 वाला गिवन है ना वो इस शेप में गिवन है, वो कहता है कि इसमें हमें फार्मूले में हमें कन्वर्ट करके दें। अब हम क्या कर दें कि एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4 ये गिवन है, अब हमने इसका क्लोज करना है फार्मूला, ये दोनों एक्स एक्स का स्केयर बन जाएंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाता है 16, तो ये क्लोज हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स का स्केयर माइनस 16। अच्छा नेक्स्ट में कहता है कि पोलोनॉमिल्स गिवन है, ये कौन सी टाइप की पोलोनॉमिल्स, जैसे हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी। अब इसके अंदर नंबर देखें 1, 2, 3 नंबर था, तो ये हमारे पास थी ट्राइनॉमिल्स। नेक्स्ट करते हैं एमसीक्यूज 2, इसमें मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन गिवन है, जैसे -2 एक्स का क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है 4 एक्स के स्क्वायर के साथ। अब ये देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इधर, तो जो नंबर्स होंगे वेरिएबल्स होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो उसकी पावर्स होगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 8 दे देगा एक्स। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और सेम उनकी बेसिस हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, अब हम एक एक्स लिख देंगे उनको ऐड करके लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा इधर 5, तो ये आ जाएगा -8 एक्स का स्क्वायर एक्स के 5। अब इसका आंसर क्या सही हो गया, आंसर नंबर ए। अच्छा नीचे वाले में भी कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्स का क्यूब, प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि मल्टीप्लाई करके लिखे ने एक्स का स्क्वायर, अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाएगा, इनकी दोनों की बेसिस सेम है एक बार ये और ऊपर से वो ऐड होके बन जाएंगे 6, ये आ जाएगा 8x के 6, इसका राइट आंसर बन जाएगा 8x के 6। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला हो गया है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके लिखना। अच्छा नेक्स्ट करते हैं कि दो इक्वेशन गिवन है, इसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, हम पहले दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और दूसरी गिवन इक्वेशन है ए का स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 22। अच्छा मैं इस इक्वेशन को एक बार दोबारा नीट लिखती हूँ। अच्छा इसमें कह रहा है कि ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 36 के इक्वल है, और नेक्स्ट में कहता है कि ए का स्क्वायर माइनस 3ab ये 2 है, माइनस 3ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 22। अब ये देखें हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अलामतें चेंज हो जाती हैं, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में जाएगा, ये कैंसिल 3 में से 2 गया ए बी बचा गया, अब 36 में से 22 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 14 बच जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी का 14। ठीक है ऐसे करके आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर राइट 14 ही है, 12 गलत लगा वेदर। अच्छा नेक्स्ट में कहता है कि एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 में से, हम पहले लिखते हैं इक्वेशन x का 3x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, नेक्स्ट है माइनस 4x प्लस 5 और उसको सब्ट्रैक्ट करना है x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में से, हमने सब्ट्रैक्ट करना है इधर प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस है तो प्लस, ये माइनस हो जाएगा। अब ये देखें 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बन जाता है एक्स का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, इधर बच जाएगा माइनस 3x और ये बच जाएगा प्लस 4,
राइट आंसर भी यही बनता है, ये देखें इधर। अच्छा नेक्स्ट कहता है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अब इसके अंदर डिग्री काउंट करें कि डिग्री कितनी बनती है। अच्छा दो नंबर गिवन हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी क्या हो जाती है बेसिस, बेसिस सेम और पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो अब ये बन जाएगा 5m3, तो इसकी बेसिस वो पावर्स क्या बन गई है 3, तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी 3। अच्छा नेक्स्ट में कहता है कि ये पॉलीनोमियल्स कितनी डिग्री की है, अब ये देखें इसके अंदर से -4x² y² है तो दोनों को ऐड करें तो कितनी बनती है 4, तो ये 4 डिग्री की पॉलीनोमियल्स है। अच्छा इसमें भी क्या पूछ रहा है कि कौन 4ab² इसमें लिखा हुआ है 4ab³c³, ये कौन सी टाइप है पॉलीनोमियल्स की, ये पॉलीनोमियल्स टाइप है, ये फर्स्ट टाइप थी पॉलीनोमियल्स की। अच्छा नेक्स्ट कहता है कि क्वेश्चन नंबर इसमें कि x-3 इसमें कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट इसमें 3 है, इसमें x क्या होगा वेरिएबल, 3 इसके अंदर क्या बन जाएगा कांस्टेंट। अच्छा नेक्स्ट कहता है कि विच इज़ पॉलीनोमियल्स, कौन सी इसमें पॉलीनोमियल्स है, पॉलीनोमियल्स के लिए कंडीशन है कि उसकी डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए नंबर वन, नंबर टू में कहता है कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो और ऑलवेज पॉजिटिव हो। आप देखेंगे फर्स्ट में कहता है कि 2x+1 इसकी 1 डिग्री की पॉलीनोमियल्स है और ये पॉजिटिव है और ये डिवाइड के फॉर्म में भी नहीं लिखी हुई। अच्छा नेक्स्ट बी में है कि इसके अंदर नेगेटिव इन्वॉल्व हो रहा है तो ये पॉलीनोमियल्स में नहीं बनेगी, इसको भी जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगी इसकी पावर, तो डिग्री को हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो ये पॉलीनोमियल्स नहीं बनेगी। अच्छा नेक्स्ट करते हैं कि मल्टीप्लाई इनको ऐड करना है। अच्छा ऐड आप लोग कर लेंगे जो सेम पावर्स होंगे उनको आपस में ऐड करना, जैसे 2 को 2 के साथ ये बन जाएगा 7, 3 और 4 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का x बच जाएगा, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 बच जाता है। जैसे हम नॉर्मल सिंपल सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो पॉलीनोमियल्स में भी वैसे ही होती है, अब इसमें भी एडिशन वैसे ही होगी। ये वाले दोनों क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर लेनी है, एडिशन है जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं वैसे ही, इसके अंदर सब्ट्रैक्शन करनी है जैसे कि हमने ये पीछे वाले दो क्वेश्चन किए वैसे सब्ट्रैक्शन कर लेनी है, सब्ट्रैक्शन भी आप लोगों ने खुद कर लेनी है, मल्टीप्लिकेशन भी खुद करनी है। ठीक है अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अच्छा आप ये देखें कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं -x² तो अब हम इसको ओपन करते हैं, फर्स्ट ए का स्क्वायर बन जाएगा -2, ए की जगह पे एक्स आ जाएगा, बी की जगह पे 3 प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, अब इधर बन जाएगा एक्स का स्क्वायर -6x+9। अब हम इधर आंसर देख लेते हैं कौन सा बना हुआ है, ये देखें आंसर सी इज़ राइट आंसर। अच्छा नेक्स्ट में कहता है कि ए का स्क्वायर -b² इसको ओपन करके लिखें, ये एक बार प्लस में ओपन होता है और एक बार माइनस में ओपन होता है, ठीक है ऐसे इसको याद रख लेना। अच्छा नेक्स्ट में कहते हैं कि इसके फैक्टर बनाए, अभी हमने इसको इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया है, आप लोग वही कर लें ताकि टाइम बच जाए हमारा, इसको अब मैं सॉल्व नहीं करी, इसके फैक्टर सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह के बन जाएंगे फैक्टर। तो आज ये चैप्टर इधर तक कम्प्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और 10 है वो इंशाल्लाह ताला एक ही वीडियो में कम्प्लीट कर लेंगे, उसमें कुछ डेफिनेशन लिखी हुई हैं। आप लोग मैथ को साथ साथ करते रहें, मैथ अगर आप लोग साथ साथ करते रहेंगे तो आप लोगों को मैथ आएगी, अदरवाइज मैथ नहीं आती, मैथ के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। साइंस, इस्लामियात, इंग्लिश ये आप लोग याद कर सकते हैं, बाकी मैथ को आप मैथ की बार बार प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा हो सके इसकी प्रैक्टिस करें।